नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दुधिया से मारपीट, एक को सुरैया पुल से फेंका। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टांडा सातन मजरा गाजी खेड़ा निवासी अभय ने बताया कि कानपुर नगर के शिवराजपुर की डेयरी में दूध बेचकर लौट रहे थे। लोडर सवार तीन लोगों को कार सवार चार लोगों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और 20,000 रुपये लूट लिए। विरोध करने पर एक को गंगा पुल से फेंक दिया। इसके बाद हमलावर काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग से कानपुर की ओर भाग गए। पीड़ित ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके आप बीती बताई। पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। लोडर एक दुग्ध डेयरी में लगा हुआ। शुक्रवार सुबह लोडर में दुग्ध लोड करके शिवराजपुर स्थित दुग्ध डेयरी में उतारने गए थे। साथ में लोडर मालिक सत्यम सिंह और उसका चचेरा भाई नागेंद्र भी साथ में था। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे दुग्ध उतार कर वापस लौट रहे थे। काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग पर थाना क्षेत्र के गंगापुर पर कार सवार चार लोग पीछा करके और लोडर के आगे गाड़ी लगा दी। आरोप है कि कार सवार ने तीनों से मारपीट की और मोबाइल फोन लूट ले गए थे। यही नहीं, कार सवारों ने नागेंद्र को पीटने के बाद उसे पुल के नीचे फेंक दिया और भाग निकले। बाद में अभय और सत्यम ने घायल नागेंद्र को लेकर उन्नाव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ओवरटेक को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई थी। लूट का आरोप गलत है। मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच की जा रही है। संवाददाता ललित सिंह की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? गाजी खेड़ा में। आपके साथ जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? सर, मामला ये है कि हम रोज की तरह जा रहे थे शिवराजपुर दूध डाल के वापस आ रहे थे घर। समय था भाई रात का 11:30 बजे का। तो हमारे आगे अल्टो गाड़ी आई, गंगा जी का जो पुल है पुल के ऊपर अल्टो गाड़ी आई, उसमें करीब 5-6 लोग सवार थे। उनको पता नहीं कौन थे वो लोग, पुरानी गाड़ी थी, और हमारी गाड़ी के आगे लगा दी बेड़ा बेड़ा, और हमको रुकना पड़ा। ड्राइवर ने हमारी गाड़ी रोक दी। फिर वो लोग आए सलाह दिखा के, ड्राइवर से चाबी छीनने लगे, तो ड्राइवर झपटा मार के भाग निकला। फिर हमको दबोच लिया उन्होंने। हमारे साथ एक लोग और थे, उनका नाम नागेंद्र है। तो उन्होंने हमको बचाने की कोशिश की, तो काफ़ी देर तक झड़प भी हुई हम लोगों की। वो 5-6 लोग थे, हम 2 ही लोग बचे थे। तो उसके बाद में फिर उनको भी पुल से उठा के नीचे फेंक दिया। तो किसी को चोट आई है क्या? चोट आई है उनको, फेंका तो बाद में। पहले हम लोगों के पैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी हमारा छीन लिया जी। हमारे भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को आपने सूचना दी है? पुलिस को 112 पे कॉल किया था हमने जी। तो पहुंचे नहीं थे मौके पे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं है पुलिस। 12-13 घंटे हो गए। घटना में कोई घायल भी है क्या? जी, वो कहाँ है? घायल वाले उन्नाव अस्पताल में भर्ती हैं। आपने कोई तहरीर दी है थाने में? दी थी हमने थाने में, लेकिन जो हमने दी इंस्पेक्टर साहब ने उसे बदल लिया, तो अपने हिसाब से दूसरा कोई लिखवा दिया एप्लीकेशन में। तो अभी कार्रवाई कोई मतलब कुछ हुआ नहीं। पुलिस मौके पे गई है जांच करने? मौके पे गई भी नहीं पुलिस। मैं फोन किया था रात में, तुरंत फोन किया था 112 पे, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं गया। कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होगी तो आगे हम ऊपर भी जाएंगे और दूसरे लोगों से भी जो बड़े स्तर है वहाँ भी देंगे एप्लीकेशन करवाएंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।